सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला, अंबेडकर का दिया उदाहरण, देश के विरोधियों का साथ ना दे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, जब हम राजस्थान पर फैसला करेंगे तो उसकी जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी आज असम दौरे पर, एम्स गुवाहाटी का करेंगे उद्घाटन, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सचिन पायलट के तेवर हुए नर्म, पायलट ने दिल्ली में कमलनाथ के आवास पर केसी वेणुगोपाल से की मुलाकात। कांग्रेस के मसीहा बन सकते हैं कमलनाथ, पायलट गहलोत के बीच तनाव को खत्म करने के लिए उठाया बड़ा कदम। पश्चिम बंगाल में पैर जमाने की कोशिश में बीजेपी, बीरभूम जिले में बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास करेंगे अमित शाह। असद के एनकाउंटर पर कपिल सिब्बल का ट्वीट, मारना आसान मुकदमा चलाना कठिन। लॉकअप में रात भर सदमे में बैठा रहा अतीक अहमद, बेटे के जनाजे में भी नहीं हो पाएगा शामिल। असद के एनकाउंटर के बाद अतीक अहमद के करीबियों पर शिकंजा, सपा नेता सहित 37 लोगों के ठिकानों पर पुलिस ने मारा छापा। नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार, नए मामले 11,000 के पार, दिल्ली में बड़ा खतरा। अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे किम जोंग उन, उत्तर कोरिया ने नई मिसाइल ICBM का किया परीक्षण। ब्रिटिश PM ऋषि सुनक की पत्नी अक्षा मूर्ति को मिलेंगे 68.17 करोड़ रुपए, शेयर में मिलेगा फायदा। टॉप सीक्रेट फाइल 47 साल बाद हुई सार्वजनिक, मलेशिया में VIP विमान हादसे की वजह जान सब हैं हैरान। 3 दिवसीय दौरे पर मॉरिशस पहुंचे विनय क्वात्रा, विदेश मंत्री से की द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल हुए राजा मौली और शाहरुख, टाइम मैगजीन ने जारी की 100 लोगों की सूची। शेयर बाजार में आज ट्रेडिंग पर ब्रेक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर छुट्टी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, क्रिप्टोकरेंसी का वैश्विक स्तर पर होना चाहिए रेगुलेशन। आज से काशी आएंगे G20 के मेहमान, एयरपोर्ट से लेकर होटल तक भव्य स्वागत की तैयारी। वीवो ग्रेटर नोएडा में करेगी 1100 करोड़ का निवेश, अगले साल तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद। कंपनियों ने जारी किया पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर।